दोस्तों, अगर आप लोग YouTube में सर्च मारते हैं हाउ टू हैक वाईफाई नेटवर्क, तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे इसके ऊपर एंड उसमें हजारों मेथड दिखाई देगा कि कैसे आप लोग वाईफाई नेटवर्क को हैक कर सकेंगे। बट दोस्तों, ये हजारों वीडियो में से शायद ही एक वीडियो आपके लिए भरोसेमंद हो एंड उससे आप वाईफाई को हैक कर सके। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप लोग वाईफाई को हैक कर सकते हैं एंड कैसे आप लोग वाईफाई को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय एंड आप सबका स्वागत है टेक टू टूर में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और इस घंटे को प्रेस करके ऑन कर दीजिए ताकि हम लोग का सब वीडियो आप तक सबसे जल्दी और सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, कोई भी वाईफाई को हैक करने के लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा वाईफाई का सिक्योरिटी कैसे काम करता है। दोस्तों, वाईफाई का सिक्योरिटी काम करता है इंक्रिप्शन टेक्निक की मदद से। ये इंक्रिप्शन टेक्निक है WEP और WPA और WPA2 PSK। इस तीनों में से WEP एकदम बेकार का है। अगर आप WEP से अपना वाईफाई को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये इजीली हैक हो जाएगा। इसके बाद आता है WPA, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएटर है, बट इसमें भी हैक हो सकता है। इसके बाद आता है WPA2 PSK। इस वाले में इजिली कोई भी हैकर हैक आपका वाईफाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रहता है और इसका इंक्रिप्शन सिक्योरिटी मेथड भी बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, फिर भी ये सब वाईफाई नेटवर्क को हैक किया जा सकता है, बट मैं इसमें आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि आप वाईफाई नेटवर्क को कैसे हैक करें, क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ होगा, उसके गाइडलाइन के खिलाफ होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता कि आप जाके ये मेथड फॉलो करके वाईफाई को हैक कर ले, पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि वाईफाई हैक कैसे किया जाता है। दोस्तों, आप पहले सोचिए, आप जब वाईफाई एक मशीन अपने कंप्यूटर से लगाए और वाईफाई अपने घर में लगाए तो आप पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग उसमें वाईफाई का एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक सजेस्ट जरूर करूंगा, जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं तब आई लव यू रिया, आई लव यू प्रिया, मे और प्रिया, सन्नाटा, ये सब पासवर्ड आप लोग ना दे। इवन आपका नेम भी आप यूज ना करें। हमेशा जब पासवर्ड देंगे तब नंबर, स्पेशल की, कुछ अल्फाबेट्स, ये सब का कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड दे, ताकि ये पासवर्ड बहुत ही स्ट्रांग हो एंड इजिली आप कोई भी हैक ना कर पाए। सेकेंड चीज दोस्तों, क्या ये होता है, आप अगर ऐसे पासवर्ड दे भी तो भी आपका एक प्रॉब्लम है इसको मेमोराइज करना, क्योंकि दोस्तों हम लोग जब वाईफाई अपने घर में लगाते हैं तो बहुत सारे कनेक्टर में और बहुत सारे डिवाइस में हम लोग ये इसकी मदद से वाईफाई करना चाहते हैं। जैसे मेरा मोबाइल में, मेरा भाई का मोबाइल में, मेरे दादा का मोबाइल में, सबका मोबाइल में, कंप्यूटर में, दूसरे कुछ वाईफाई राउटर वाईफाई में डिवाइस में, तो इस सब में अगर मैं करना चाहूं तो सब में ही मुझे वो भारी भरकम पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे गलती भी हो सकता है। सेकंड बात है दोस्तों, पकड़िए, मेरा घर में बहुत सारे दोस्त लोग आए हैं एंड मैं उन लोग के साथ वाईफाई शेयर तो करना चाहता हूं, बट मैं उन लोग को मेरा पासवर्ड नहीं देना चाहता, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे भी पता है, हम लोग का दोस्त होते हैं एक नंबर का। क्यों? वो लोग एक बार अगर पासवर्ड जान ले तो क्या करेंगे, बार बार वाईफाई से कनेक्ट करके वो लोग मेरा वाईफाई का सत्यानाश कर देंगे, बाहर भी खड़े होके। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं अपना पासवर्ड शेयर उन लोगों के साथ नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हर एक वाईफाई डिवाइस में एक की रहता है और एक सिक्योरिटी कोड रहता है और पिन रहता है। दोस्तों, ये शेयर करने के लिए, यानी आप अगर चाहे तो वाईफाई को आप अपने वाईफाई डिवाइस में कनेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी पासवर्ड। कैसे? इस दोनों ही मेथड से। अगर आप एक डिवाइस को देखें जो वाईफाई डिवाइस है, उसके पीछे की तरफ अगर देखें तो उसमें एक बटन दिखाई देगा जो है वाईफाई बटन। अगर उसको आप प्रेस करें तो एक्चुअली क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हर एक डिवाइस के लिए ओपन हो जाता है। तब उस पर्टिकुलर टाइम में, पकड़िए 1 घंटा या 2 घंटा, उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी डिवाइस उस वाईफाई के थ्रू अटैच हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके ना जानते हुए आपका दोस्त लोग उस बटन को प्रेस कर दे तो
उस लोग को पासवर्ड नहीं चाहिए, वो लोग आराम से आपका वाईफाई यूज कर लेंगे। सेकेंड होता है दोस्तों पिन। अगर आप अपने वाईफाई बॉक्स का पीछे देखें तो वहां पे 8 नंबर का एक पिन आपको दिखाई देगा। ओ उस पिन की मदद से भी विदाउट पासवर्ड कोई भी आपका वाईफाई हैक कर ले सकता है। दोस्तों ये पिन बाय डिफॉल्ट एक ही रहता है आपके वाईफाई डिवाइस में। दोस्तों कोई भी वाईफाई हैकर जब ये पिन मांगता है तो उन लोग को तो आप कभी मत दे, इवन अपने दोस्त लोग को भी आप मत दे। बट ये वाईफाई हैकर लोग क्या करता है, जनरली ये पिन जब हम लोग को मांगता है कोई भी वाईफाई डिवाइस में, तब 2 पार्ट में मांगता है, फर्स्ट 4 नंबर्स एंड लास्ट 4 नंबर। ऊपर जो लास्ट 4 नंबर है उसका लास्ट नंबर यानी 8 कैरेक्टर वो तो रैंडम रहता है, कोई भी हो सकता है, उसमें कुछ एक्सा नहीं है। तो एक्चुअली एक वाईफाई हैकर को टोटल 7 नंबर चाहिए, पहले 4 नंबर उसके बाद का 3 नंबर। तो दोस्तों आप ही सोचिए, अगर कोई वाईफाई हैकर 0000 यानी 4 जीरो से 4 बार 9 यहां तक का हर एक नंबर एक बार करके लिखता जाए तो उसको वाईफाई का फर्स्ट स्टेप पार करने मिल जाएगा एंड उसको फर्स्ट पासवर्ड भी पता चल जाएगा। उसके बाद उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, 000 यानी 30 से 999 399 यानी 1000 टाइप अगर वो ट्राई करे तो उसको आपका वाईफाई को हैक करने का मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो WPS सर्विस था वाईफाई के लिए, ये एक्चुअली हम लोग को हेल्प करने के लिए था कि आपको आपका पासवर्ड बार बार मेमोराइज ना करना पड़े, आपको दोस्त लोगों के साथ पासवर्ड शेयर ना करना पड़े, इसके लिए WPS सर्विस दिया गया था जहां पे पिन और वो बटन यूज होता था। मगर यही WPS के वजह से हम लोग को वाईफाई इजिली हैक हो जा सकता है उस मेथड के लिए। तो दोस्तों मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका एक वाईफाई डिवाइस है तो उसका जो WPS ऑप्शन है उसको डिसेबल करके रखे। दोस्तों बाय डिफॉल्ट हो सकता है ये हमेशा एनेबल हो, तो आप बाय डिफॉल्ट ना करके इसको डिसेबल कर दीजिए। एंड सेकेंड चीज, आप अपना पासवर्ड बार बार चेंज करते रहिए 1 वीक छोड़ छोड़ के। इसकी मदद से आपका वाईफाई प्रोटेक्ट इजीली रहेगा, कोई भी आपका वाईफाई को आराम से या जल्दी जल्दी हैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।